शाहिद कपूर जो कि एक एडवेंचर स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट है इज प्लानिंग टू टेक अप रिवर राफ्टिंग एज अ हॉबी। शाहिद जो कि ऑन एंड ऑफ विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर की शूटिंग कर रहे हैं इज नॉट बीइंग एबल टू वर्क ऑन एनी अदर फिल्म एट द मोमेंट बिकॉज ऑफ हिज स्पेशल लुक इन द फिल्म एंड हेंस हैज एम्पल टाइम एट हैंड। ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ स्टारर बैंग बैंग अक्टूबर 2 को रिलीज होने वाली थी पर सोर्सेज की माने तो इस फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन हो जाएगी एज विद द अमाउंट ऑफ वर्क लेफ्ट ऑन द फिल्म इट विल बी इम्पॉसिबल टू रिलीज इट ऑन द सेट डे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। एक्ट्रेस काजोल ने एक पॉपुलर फैशन मैगजीन के लिए किया एक स्टाइलिश फोटोशूट। हियर आर अ फ्यू स्टनिंग पिक्चर्स। यामी गौतम इन दिनों एक चाइनीज डांस फॉर्म प्रैक्टिस कर रही हैं, नेमली द क्वी डांस, जिसके बारे में यामी को थाईलैंड में एक्शन जैक्सन की शूटिंग के दौरान पता चला। जब सिद्धार्थ मल्होत्रा से एक विलन फिल्म साइन करने के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया तो सिद्धार्थ ने कहा, आई वॉज एक्साइटेड टू गेट अ रोल लाइक दैट, आई पाउंस्ड ऑन इट। अपॉर्चुनिटीज टू प्ले एंग्री डार्क एंड इंटेंस कैरेक्टर्स आरंट इजी टू कम बाय, द टाइटल इटसेल्फ इज इंटरेस्टिंग, आई वॉज सोल्ड बाय द क्लाइमैक्स। अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी बहुत जल्द बिग बी की सारी फिल्मों को प्रोड्यूस करेगी और इस बात की कॉन्फर्मेशन बिग बी ने खुद दी है। द प्रोडक्शन हाउस विल बी प्रोड्यूसिंग सीनियर बच्चन नेक्स्ट प्रोजेक्ट विद डायरेक्टर आर बाल्की। सुनने में आया है कि रणबीर कपूर ने अभय चोपड़ा की इत्तेफाक फिल्म के रीमेक में काम करने के लिए अपनी हामी भर दी है। द ओरिजिनल फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाई यश चोपड़ा एंड स्टार्ड राजेश खन्ना एंड नंदा एंड वॉज अ रीमेक ऑफ द ब्रिटिश फिल्म साइन पोस्ट टू मर्डर। खेमू और प्राची देसाई को फिल्म 3G के डायरेक्टर ड्यो शांतनु रे और शीर्षक आनंद ने उनकी फिल्म गुड्डू की गन के लिए साइन कर लिया था पर प्राची ने इस फिल्म से फॉर सम पर्सनल रीजंस लास्ट मिनट वॉकआउट कर दिया है। वेटरन एक्टर जितेंद्र विल सून बी कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड एंड हिज नेम वॉज अनाउंस्ड रिसेंटली फॉर द सेम। राइटर डायरेक्टर सलीम खान ने जीतू जी को कंग्रेचुलेट किया है और उन्होंने ये भी कहा है दैट ही फील्स दैट इट्स अनफेयर दैट एक्टर मनोज कुमार हैज स्टिल नॉट रिसीव्ड दिस ऑनर। स्लम डॉग मिलियनेयर और 127 आवर्स के बाद म्यूजिक मेस्ट्रो एआर रहमान ने अब हॉलीवुड एक्टर जॉन हैम स्टारर फिल्म मिलियन डॉलर आर्म के लिए म्यूजिक कंपोज किया है वेयर ही हैज अपेरेंटली कंपोज्ड अराउंड 7 सॉन्ग्स इन हिंदी इंग्लिश एंड तमिल। खबरों की माने तो किंग खान शाहरुख खान उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को एक्सपैंड करना चाहते हैं एंड ही वांट्स टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ फुल फ्लेज्ड स्टूडियो जो कि शाहरुख की फिल्मों के साथ साथ दूसरों की भी फिल्में प्रोड्यूस करे। अक्षय कुमार और अभिषेक बच्चन एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगे प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला की फिल्म हाउसफुल 3 में और इस फिल्म को साजिद खान डायरेक्ट नहीं करेंगे। साजिद को रिप्लेस किया है राइटर ड्यो साजिद फरहाद ने जो कि अक्षय स्टारर इट्स एंटरटेनमेंट भी डायरेक्ट कर रहे हैं। खबर मिली है कि शाहिद कपूर ने रिसेंटली जुहू एरिया के उसी बिल्डिंग में एक प्लश अपार्टमेंट खरीदा है जिस बिल्डिंग में विद्या बालन उनके हबी सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ रह रही हैं। इसका मतलब र्यूमर्ड एक्स कपल शाहिद और विद्या अब बन जाएंगे नेबर। कंगना रनौत जून में न्यूयॉर्क रवाना होंगी टू कंटिन्यू हर कोर्स इन स्क्रीन प्ले राइटिंग। कंगना अपना ये कोर्स तनु वेड्स मनु के सीक्वल की शूटिंग शुरू होने से पहले फिनिश करना चाहती है। मनीषा कोइराला जो कि कैंसर सर्वाइवर है अब अपनी लाइफ पर बेस्ड फिल्म में नजर आ सकती हैं। एज शी हैज रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम अ हाई प्रोफाइल फिल्म सेलिब्रिटी हु इज कीन टू मेक अ फिल्म ऑन हर लाइफ। कहा जा रहा है कि मनीषा पर्सनली इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को अप्रूव करेगी। दीपिका पादुकोण ने उनके 10 फीमेल फैंस को सिलेक्ट किया है हु वुड वॉक द रैंप अलोंग विद हर एट अ फैशन इवेंट। यही नहीं दीपिका खुद इन लड़कियों की ग्रूमिंग करेंगी। शी सेज आई रिमेम्बर द टाइम व्हेन आई वाज अ मॉडल एंड आई रिमेम्बर ऑल द एक्साइटमेंट बैकस्टेज। आई वांट देम टू एक्सपीरियंस दैट एज वेल। आई विल स्पेंड टाइम विद देम चैट एंड ग्रूम देम सो दैट दे गो बैक विद ग्रेट मेमोरीज। सलमान खान स्टारर किक में जैकलिन फर्नांडिस कुछ डेयर डेविल स्टंट्स परफॉर्म करती नजर आएंगी एंड इन ऑर्डर टू परफॉर्म देम वेल जैकी हैज स्टार्टेड ट्रेनिंग विद अ हुला हूप जो कि काफी टायरिंग है बट शी रियली एंजॉयज इट।
जैकी श्रॉफ स्टारर 1983 की हिट फिल्म हीरो के पॉपुलर फ्लूट म्यूजिक को उनके बेटे टाइगर की डेब्यू फिल्म हीरोपंती में रिक्रिएट किया है। इन द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द फिल्म विसल बजा, और प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला इस सॉन्ग को सारे फ्लूट प्लेयर्स को डेडिकेट करना चाहते हैं हु हैव केप्ट दिस ट्यून अलाइव। खबर मिली है कि जॉन अब्राहम पॉपुलर कोरियन फिल्म द मैन फ्रॉम नोवेयर की हिंदी रीमेक बनाएंगे, जिसका टाइटल रखा गया है रॉकी हैंडसम। इस फिल्म में जॉन मेन लीड प्ले करेंगे और उनकी को स्टार होंगी श्रुति हासन। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन उनके हिंदी फिल्म्स की प्रोडक्शन पर कंसंट्रेट करते हैं, एंड वाइफ जया बच्चन टेक्स अ कॉल ऑन द रीजनल फिल्म बिजनेस ऑफ देयर प्रोडक्शन हाउस, और इस बात को खुद बिग बी ने कंफर्म किया है।